हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2024 से आपके सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि आपका टीए, कन्वेंस, इन सभी नाइट ड्यूटी, इन सभी में आपकी जो है 25% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इसका लेटर आपका जो है जून में आया था। आप में से कई कर्मचारी ऐसे हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो टीए और कन्वेंस है पुराने रेट से आप ले चुके हैं और उसको पुराने रेट से ही आपने जो है क्लेम किया था, लेकिन लेटर आपका जब जून में आया है तो आप अब इस 4-5 महीने का जो आपका बकाया है पैसा, उसका आप डिफरेंस देकर आप दोबारा से आपका जो बकाया पैसा है 25% वह आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बाबू के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं बता दे रहा हूं और इस फॉर्मेट में आप उस एप्लीकेशन को लिखें। एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, छोटा सा है, आप अपने हाथ से ही इसको लिख सकते हैं। तो विषय आप मंडल कार्मिक, मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक के नाम से इसको लिखेंगे एप्लीकेशन को। विषय दैनिक भत्ता डेली अलाउंस के बकाया एरियर के भुगतान के संबंध में। तो यह जो एरियर बढ़ाया गया रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ये दिया गया है 5/6/24 को लेटर आया था, उसके अनुसार बढ़ाया गया है। अब आपके प्रधान कार्यालय में ये तो कहीं और का है, लेकिन आपके में जो लेटर आपके ऑफिस में आया है वो वाला डालेंगे और मंडल कार्यालय से आपका जो भी लेटर निकला था वह वाला यहाँ डालेंगे। महोदय, उपयुक्त विषयानुसार संदर्भित पत्रानुसार 1/1/24 से दैनिक भत्ता डेली अलाउंसेंस की दरों में बदलाव किया गया है तथा अधो हस्ताक्षरी ने माह जनवरी एवं उसके बाद की यात्रा की है जिसमें यात्रा भत्ता का भुगतान संदर्भित पत्रानुसार नहीं हुआ है। अतः महोदय, संदर्भित पत्र के अनुसार दैनिक भत्ता डेली अलाउंस की गणना सीट निम्न प्रकार है। तो आप माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून और जुलाई का तो वैसे ही अभी तो है नहीं, इनका तो पैसा आपका बढ़े हुए अमाउंट से ही लगाया गया है। तो कुल यात्रा, कुल दिन आप इन दिनों में कितने दिन की यात्रा करे हैं वह आप इस पर लिखेंगे। पूर्व में किया गया भुगतान, पूर्व में मतलब आपको जो भुगतान हो चुका है उसकी जानकारी देना है। पूर्व की दर कुल यात्रा का भत्ता जो पूर्व में आपको मिला है। इसके बाद संशोधित दर से किए जाने वाला भुगतान, संशोधित दर आपकी जितनी आएगी वह यहाँ पे लिखेंगे। कुल यात्रा भत्ता जो जितना आएगा संशोधित वह यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि आपको कितना, जैसे 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से और यहाँ पर 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, इसके बाद जो भी अंतर आएगा वह आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अंतर को ऐड कर देंगे, कुल भुगतान योग्य राशि यहाँ पर टोटल आपकी दिख जाएगी। कृपया यह अग्रिम कार्रवाई एवं भुगतान हेतु सादर प्रेषित है। आप यहाँ दिनांक डालेंगे, कर्मचारी का नाम, पदनाम, पीएफ नंबर, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, यह सब आप इसमें लिख देंगे। इस एप्लीकेशन की 3 प्रतियाँ बनाकर आप अपने डीलिंग क्लर्क को दे देंगे। वह अगले माह के पेमेंट में आपका जितना भी बकाया राशि है वह आपको लगा दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।